नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज की इस रिपोर्ट में बात करेंगे यहां पर कांग्रेस की सियासत जो फिलहाल गरमाई हुई है। इसी बीच हार्दिक पटेल ने गुजरात से इस्तीफा तो दे दिया, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बात कही जा रही है कि क्या अपने दामन में जगह देंगे वो हार्दिक पटेल को। दरअसल गुजरात के बड़े पाटीदार नेताओं में शुमार हार्दिक पटेल ने कांग्रेस को इस्तीफा यहां पर दे दिया है। बताते चलिए, हार्दिक पटेल का सोनिया गांधी को लिखे खत का जो मजमून है उससे साफ है कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। सवाल ये है कि क्या बीजेपी उस हार्दिक पटेल को अपने साथ लेकर आएगी, जिस हार्दिक पटेल ने गुजरात में पूरी बीजेपी और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अकेले ही बड़ा मोर्चा खोल दिया था। क्या बीजेपी उस हार्दिक पटेल को अपनाएगी जिसने बड़ा पाटीदार आंदोलन खड़ा किया और जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात की मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा भी देना पड़ा था। और क्या गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात में विजय रूपाणी सरकार में उप मुख्यमंत्री रह चुके नितिन भाई पटेल जैसे बड़े पाटीदार नेता हार्दिक पटेल जैसे युवा पाटीदार नेता को अपने साथ रखने में सहज महसूस करेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हार्दिक पटेल के साथ ही बीजेपी के आलाकमान के भी साथ खड़े हैं। पता चले यहाँ पर क्या इन सब चीजों के बाद भी बीजेपी में जो जाने के कयास यहाँ पर और जो चीजें वो पेश कर रहे हैं कि वो बीजेपी में जाना चाहते हैं हार्दिक पटेल, लेकिन क्या हार्दिक पटेल की इन करतूतों के बाद बीजेपी उनको अपनी पार्टी में शामिल करेगी या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अंजलि की रिपोर्ट, नेक्स्ट नाइन लाइव।